भगवान भोलेनाथ की पूजा को सबसे आसान माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को खुश रखना है तो उन्हें केवल भांग धतूरा और फूल बेलपत्र चढ़ाकर भी खुश कर लिया जाता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसे चढ़ाना सही नहीं माना जाता है और ऐसा करना वर्जित माना गया है, जिसमें सबसे पहला नाम तुलसी पत्र का है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, ये काफी अशुभ होता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ये वर्जित माना जाता है। भगवान भोलेनाथ पर कभी भी काला तिल नहीं चढ़ाना चाहिए, कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जबकि भोलेनाथ पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, ऐसा करने से धन के साथ साथ मान सम्मान की हानि हो सकती है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी नारियल पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी रोली या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, ये मानना जाता है कि ये सब भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना काफी अशुभ होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित शत्रुघ्न झा बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाई जानी चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। भोलेनाथ की पूजा तो सबसे आसान पूजा होती है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे चढ़ाने के बाद लाभ के जगह हानियां ही होती है। जैसे तुलसी का पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए और केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके केतकी के फूल ब्रह्मा जी क्रोधित हो झूठ बोल देते, उस पर क्रोधित हो गए थे, इसलिए उन पर बताया गया था केतकी का फूल चढ़ाने से वह क्रोधित हो जाते हैं। नारियल का पानी भी नहीं उन पर शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ाया जाता है लेकिन नारियल का जल उनसे अभिषेक नहीं किया जाता। टूटा हुआ चावल, अगर चावल अच्छा चढ़ाना है तो टूटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे अन्न की हानि होती है। और उसके बाद हल्दी सिंदूर ये सब भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार हल्दी अगर और चंदन सिंदूर चढ़ाएं तो माता पार्वती पर चढ़ावें और शिव जी पर कभी भूलकर नहीं चढ़ावें, इससे लाभ की जगह हानियां ही होती है। भगवान शिव पर अगर चढ़ाना भी हो तो जल का अभिषेक करें, उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूध चढ़ावें, दधी चढ़ावें, दधी चढ़ाने के बाद शहद चढ़ाने के बाद और चंदन चढ़ावें, चावल चढ़ावें, ये प्रकार के बेल का पत्र चढ़ावें। ये सब चढ़ाने के बाद धतूरा का अगर फूल हो तो भी चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इच्छित वस्तु की फल की प्राप्ति होती है, इसलिए भोलेनाथ पर ये सब अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के दौरान आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप जो चीज भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं कहीं ऐसा करना आपके लिए हानिकारक न हो जाए। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।